से स्मृति क्लस्टर्स की तरफ देखने वाले श्रीमान गर्ग और उपस्थित सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये जो वर्कशॉप है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि हमारे देश के आर्थिक विकास में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई काम करना है, जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक मिशन दिया है आत्मनिर्भर भारत, उस भारत को अगर आत्मनिर्भर हमको सबको बनाना है तो हमें गांवों में रोजगार निर्माण करना होगा, गांव की गरीबी दूर करनी होगी, और गरीबी उसी समय दूर होगी जब रोजगार निर्माण होगा। और रोजगार कैसे निर्माण होगा इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर स्कीम के रूप में कोई देखा जाए तो स्फूर्ति, ये जो योजना है ये मुझे लगता है कि इस देश में ऐसी योजना है कि ये देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकती है। आपको सबको पता है कि हमारे टोटल जीडीपी ग्रोथ में है हमारे एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 30% है। अभी मार्च के बाद नए आंकड़े आएंगे पर पुराने आंकड़ों के आधार पर 30% जीडीपी ग्रोथ में एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 48% एमएसएमई सेक्टर से होता है, और अभी तक हमारे एमएसएमई ने इस देश में 130 करोड़ लोगों के इस देश में 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। हमारे देश में ये जो हमारा रोजगार के लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है यही हमारे मिनिस्ट्री का मिशन है, और इस देश में रोजगार को निर्माण करना और रोजगार निर्माण करने के साथ साथ देश के ग्रोथ के लिए, देश के विकास में कंट्रीब्यूट करना, ये आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसी के आधार पर ये योजना है। और ये योजना जो है ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे करेगी, वहाँ की आर्थिक स्थितियों को कैसे बदलेगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, इसमें गतिशीलता कैसे आएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सरकार में ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट होता है कि सरकार की बजट का पैसा ठीक खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि इसके कारण बहुत सी गलत बातें सामने आती है, पर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो फाइनेंशियल ऑडिट से इम्पॉर्टेंट होती है वो परफॉर्मेंस ऑडिट होती है कि हमारी योजना कैसी है, उसका इम्पैक्ट कैसा हुआ, कितने दिन में मंजूर हुई है, और उसमें अल्टीमेटली उसके योजना का सक्सेस स्टोरी उसी पे उसका रेटिंग होगा कि हमने देश की गरीबी को दूर करने के लिए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, कितने लोगों का पर कैपिटा इनकम हमने बढ़ाया है, कितने लोगों को अपने इनकम के कारण रोटी, कपड़ा और मकान मिला है, उनको घर मिला है। और ये करने के लिए हमें जोर से प्रायोरिटी के साथ काम करना है, और ये करने के साथ इसमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना है। अब टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है उसका उपयोग है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हमारी 21वीं सदी जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी की है, तो संपूर्ण सिस्टम को डिजिटलाइज करना। अभी मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि पहली बार हमारे मीडिया में इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हजारों लोगों तक हम पहुँच रहे हैं, और ये इतने लोगों के पास पहुंचने के लिए हमें टेक्नोलॉजी उपलब्ध हुई है, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हर आदमी में अपनी कुछ कमियां होती है, कुछ प्लस और माइनस होते हैं। मैं अपने व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी से बहुत दूर था, पर मुझे कोविड ने वरदान प्राप्त कर दिया टेक्नोलॉजी का। मैं कभी मोबाइल फ़ोन भी अभी मुझे बराबर ठीक से जितने फंक्शन से वो नहीं आते, क्योंकि मैं डिपेंडेबल बन गया। मेरे पास अभी अनेक दिनों से मंत्री होने के कारण इतने सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी हुए कि कोई तो भी मुझे फ़ोन ला के देता है, तो मुझे इसका जितना नॉलेज था उतना नहीं था।
पर कोविड के कारण हमारे सब कार्यक्रम बंद हो गए, और पिछले डेढ़ पौन दो साल से मेरे घर पर एक स्टूडियो बना है नागपुर में, दिल्ली में, पूरे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और मैं रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस से, जब लोग निराश थे तो रोड के लिए, इसके लिए, सब कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करने लगा। फिर पार्टी की रैली जो थी वो भी मैंने घर में अपने रैली की, जो स्टेज खड़ा था सामने 50-60 लोग खड़े थे, और मैंने भाषण दिया, तो कोई भाषण के लिए किसी समय समय 60 लाख 70 लाख 85 लाख, राजस्थान की रैली हुई, गुजरात की रैली हुई, तो मैं अपने घर में बैठकर भाषण दे रहा था और लाखों लोग करोड़ों लोग तक पहुंच गया। अब इतना करते करते, जिससे लिए मैं बिल्कुल सहवी नहीं था, मेरा कोई इसमें नॉलेज नहीं था, तो दो प्रसिद्ध जर्नलिस्ट मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने 280, मैंने उस समय, मैंने आज से डेढ़ महीना पहले, अब मैं एवरेज 3 या 4 करता हूँ, तो अभी मेरा 325 तक हुआ यार, पुराने रिकॉर्ड के आधार पर मैं 80 करोड़ लोगों से मेरा संपर्क हुआ, 80 करोड़। और एक दिन तो मुझे आश्चर्य लगा कि एक कार्यक्रम ऐसा हुआ कि देश की 40 देशों की 50 यूनिवर्सिटी में 6,500 PhD स्कॉलर के सामने मैंने अपने घर से भाषण दिया और उन्होंने सुना। अभी 20 दिन पहले मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण किया, तो शशि थरूर और मैं दोनों थे, और हमारा भाषण 4,500 लड़के हार्वर्ड में बैठकर सुन रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग पूरे सिस्टम में करना, ये मैं हमारे तीनों भी प्रमुख अधिकारी यहाँ बैठे उनसे अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले हमारी हर स्कीम को डिजिटलाइज करो। और डिजिटलाइज करने के साथ क्या होगा कि कोई किसने कितने दिन रखा, क्या हुआ, ये पता चल जाएगा। और मैं एक फिलोसॉफी का बहुत कट्टर समर्थक हूँ कि मुझे निर्णय गलत करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, तो निर्णय न करने वाले लोगों से मुझे बहुत नफरत है। अब मैंने बहुत रिकॉर्ड रोड वगैरह के, अभी मुझे, मैं सेक्रेटरी साहब को कह रहा हूँ कि मुझे कितने लोगों को VRS दिया, कितने लोगों को टर्मिनेट किया, और किसने लोगों के हाथ में नरियल दिया, इसका रिकॉर्ड भी मुझे बनाना है। जो नॉन परफॉर्मिंग है, जो डिसीजन मेकिंग में डिले करते हैं, उन लोगों को VRS दो। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, ये मैं प्रिंसिपल हूँ, भाई प्रॉब्लम हो तो मुझे हमें बताइए। पर ईयर्स टू ईयर, मंथ से मंथ, 7-7 साल हमारी योजना चल रही है, ये कमेटी, वो कमेटी, वो कमेटी, ये सब बंद करो, और आप लोग मालिक हो। जब आपको तकलीफ होती है तो मैं आपको बता रहा हूँ, चिल्लाने का काम करो। अगर छोटा बच्चा भी जब तक रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो आपको ये सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री करना है। और इसलिए पहली बात, सुझाव जो है कि हमारी स्फूर्ति की योजना डिजिटलाइज करें, ये मेरा पहला सुझाव सेक्रेटरी जी को और बाकी सबको है। दूसरा सुझाव ऐसा है कि जो काम करने वाली संस्था है वो किसकी है, कौन लोग है, वो कोऑपरेटिव में रजिस्टर है कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो इंडिविजुअल है कि प्रोप्राइटर है कि कॉरपोरेट है, ये इसके बीच में पढ़ने के बजाय हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ये है कि इसके द्वारा कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, कितने लोगों को रोजगार क्रिएट हुआ है, ग्रोथ में उसका कितना पार्टिसिपेशन है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ये उस योजनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। अभी मैं गर्ग साहब से बात कर रहा था तो वो डाइनिंग टेबल पे मैं बैठे थे, तो एक सज्जन मेरे सामने मिलने के लिए आए थे, आर्ट ऑफ लिविंग के वो ऑफिस बेरर है। तो मैंने गर्ग साहब को पूछा कि हमारे खादी ग्रामोद्योग में मैंने सुना कि किसी को माल बेचना है तो 5 लाख रुपये उसको डिपॉजिट करने, डिपॉजिट भी नहीं, पैसे देना पड़ता है पहले, फिर माल बेचे। तो मैंने कहा ये जो सामने सज्जन बैठे हैं, ये केंट करके, वो पानी साफ करने वाले कंपनी के मालिक है, गुप्ता करके, और हेमा मालिनी जिसकी जाहिरात करती है, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आजकल फार्मेसी कंपनी और ये लोग, मैंने इनको समझा, ये क्या करते हैं कि जो व्यक्ति 50 लाख का दवाई बेचता है उसको बोलते हैं तू स्विट्जरलैंड की यात्रा का टिकट देंगे,
जो 5 करोड़ का दे करेगा उसको बोलते तेरे को अमेरिका की यात्रा कराएंगे। और मैं जब फॉरेन में घूमता हूँ तो मुझे खूब डॉक्टर दिखते हैं, डॉक्टर के ग्रुप। तो मैंने एक दिन बोला, तुम लोगों को बहुत टूरिज्म की आदत है, नहीं? बोले नहीं आदत नहीं है। मैंने बोला साला जिधर उधर डॉक्टर ही डॉक्टर दिख रहे, तुम कैसे इतने घूम रहे हो? तो फिर उन्होंने एक ने कान में मुझे बताया कि ऐसा है कि हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो जो कंपनी का ज़्यादा दवाई बेचता है या प्रिस्क्राइब करता है उसको कंपनी की तरफ से फॉरेन टूर होता है, उसमें हमारे फैमिली के साथ हम आए। तो एक तरफ लोग अपने माल को बेचने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं और हमारे यहाँ हमारा माल बेचना है क्या? 5 लाख रुपए दे पहले तो ही हमको माल बेचेगा। तो मुझे बताए माल कैसे बेच पाएंगे हम लोग? तो मैंने इनको कहा कि उल्टा करना चाहिए कि तू 500 रुपये केवल रजिस्टर कर, माल बेच, और अगर तू ज़्यादा सेल करेगा तो तेरे को ये मिलेगा, उससे ज़्यादा करेगा तो ये मिलेगा। तो उल्टी पॉलिसी बन गई। तो मैंने कहा ये पहले हटाओ। मैं सोच रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में खादी ग्रामोद्योग और विलेज इंडस्ट्री की एक दुकान शॉप बने, ब्यूटीफुल, अच्छी ब्रांडिंग हो, और वहाँ नए लड़के लड़कियाँ लोग आकर हमारे माल खरीदी करें, कोई पेंट खरीदी करे, कोई हनी खरीदी करे, कोई जूते चप्पल खरीदी करे, कोई डेनिम खरीदी करे, ताकि हमारा टर्नओवर जो विलेज इंडस्ट्री का और खादी ग्राम उद्योग का मिलकर 88,000 करोड़ है वो 5 लाख करोड़ करना है। अब 5 लाख करोड़ करना है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को इनकम देने के लिए कर रहा हूँ। जब 88 लाख करोड़ अगर जब टर्नओवर होगा तो अगर हमने समझो समझ लीजिए कि उसके कारण हमने 3 करोड़ लोगों को जॉब दिया है, तो जब 5 लाख करोड़ होगा तो कम से कम 10 से 12 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो हमें देश में रोजगार क्रिएट करने के लिए लोगों को इनकरेज करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है, और इसलिए इन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें सिस्टम को सिंप्लीफिकेशन में लाना पड़ेगा, और इसलिए पहला काम डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। दूसरा सुझाव मेरा आपको जरूर है, जिस पर बाद में आप जरूर मुझे बताइए क्या हुआ, नहीं तो मैं भाषण दे के चला जाऊंगा और कुछ होगा नहीं, तो मैं लोग मुझे जिम्मेदार पकड़ेंगे। दूसरा जो है, अगर इसमें मेरी एक आधी गलती भी होगी तो मुझे कन्विंस करिए, मेरा आग्रह नहीं है कि मैं कहूँ ऐसा ही करो, अगर अच्छा है सही लगे तो करिए। दूसरी विषय ऐसा है कि एक ही समय सब जगह डिजिटलाइज एप्लीकेशन मांग लो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर के पास मांग रही है, आपका डिप्टी डायरेक्टर ऑफ MSME उसके पास मांग रहे हैं, या स्टेट में कहीं करना है और कई सेंटर, एक ही जगह तीनों जगह वो एप्लीकेशन करे, और उसके साथ कंडीशन होगी कि इतने इतने कागज के साथ ही वो अप्लाई करे, तब वो कंप्लीट एप्लीकेशन समझी जाएगी। तो एक समय उसका प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होगा, स्टेट लेवल पर भी होगा और सेंट्रल लेवल पर होगा। फिर उसके साथ एक एम्बार्को डाल ही देना चाहिए, क्योंकि टाइम नाम का सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत लगा से लोगों ने मिस किया है। 1 महीने के अंदर प्रोसेसिंग करके अगर आपने ऊपर नहीं भेजा तो डीम टू अप्रूवल, उस अप्रूवल हुआ करके समझो और ले लो। जो राज्य सरकार का हिस्सा है वो छोड़ दो, ऐसे इनिफिशियंट इनकॉम्पिटेंट लोग नहीं भेजते समय पर तो उसके पीछे लगने की आवश्यकता नहीं है। उतना पैसा योजना से कम करो या अलग मार्ग से आपको दे सकते तो दो, नहीं तो मत दो, उतना कम करो। अगर 2.5 करोड़ का देना है और राज्य का हिस्सा कुछ होता है तो उतना कम कर दो, उतना ही दो, और राज्य का जब मिलेगा तब उसको लेने के लिए बोलो कि मैं एक पत्र दे दो, राज्य का पत्र की आप मांगो मत, वो भी नहीं देंगे वो, तो बोलो जब मिलेगा तो राज्य से वो आपको मिलेगा, आप उसका फॉलोअप करो। तो पहली बात तो ये पूरे सिस्टम को कितने दिन लगने चाहिए। मैं एक नागपुर में एक क्लस्टर की इनॉग्रेशन के लिए गया था, तब से मेरा माथा ही भड़का, 7 साल लगा है। अब 7 साल में वो टेक्नोलॉजी सेंटर का टेक्नोलॉजी तो रोज बदलती है, ये जो 7 साल 3 साल कुछ नहीं। अब मैं मंत्री हूँ और इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा, और मैं कभी कभी अधिकारी को बोलता हूँ कि आप 5 साल तुम मेरे को अधिकार मिला है, डिपार्टमेंट कैसा चलेगा ये तुम नहीं, मैं बोलूँगा वैसे चलेगा। तो 3 महीने में आप हा या ना कर दो, जिसको करना है वो हाँ करो, नहीं करना है ना करो। अगर कोई फॉल्ट नेचर के लोग आते हैं, फ्रॉड लोग हैं, पैसा मिसयूज कर रहे हैं, तो आप उसको मत दो, उनका आइडेंटिटी उसकी लिस्ट बनाओ। पर जो सही लोग हैं उनको 3 महीने के अंदर रिप्लाई जाना चाहिए। मैं भी बैंकिंग सेक्रेटरी को भी बात करने वाला हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर और मिलकर,
कि मुझे हर योजना में बैंकों के, पिछले मैंने अशोका होटल में जब पुराने सेक्रेटरी तब रिव्यू किया था कि भाई कितनी एप्लीकेशन आई, तो आप उसके मॉनिटरिंग हमारे ऑफिस में भी शुरू हुआ है। और मैं वीके सिंह साहब को कहूँगा कि इस सब का मॉनिटरिंग अगर आपको लगता है कि आपके पास मैन पावर कम है तो आउटसोर्स कर दो, हम पैसा खर्चा करेंगे। और रोज के रोज आपको रिपोर्ट मिलने चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन से बैंक में कितने एप्लीकेशन पड़ी है, कितनी चली है, कितनी नहीं हुई है। लोगों को झटके देना, बार बार बुलाना, ये काम नहीं करना चाहिए। अगर परफेक्ट है, सही है, तो काम करो, नहीं है तो रिजेक्ट करना है कि सॉलिड को, तो रिजेक्ट कर दो। तो पहली बात तो एक है कि ये सब पूरे स्कीम में 3 महीने के अंदर इसका निर्णय होना चाहिए। चौथी बात जो मेरे को लगती है कि ये जो स्फूर्ति में योजना बना रहे हैं, ये इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, कोऑपरेटिव है, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, या और कोई एक्स वाई जेड है, हमें उससे क्या मतलब है। हमें रोजगार निर्माण करना है। कल अगर श्री श्री रविशंकर जी या रामदेव बाबा बोलते कि मैं 10,000 लोगों से हनी इकट्ठा करूँगा और मैं एक्सपोर्ट करूँगा, तो मदद करो। कल कोई टाटा कहता है कि मैं इसमें जाकर हमारे जम्मू कश्मीर में हाई एटीट्यूड पर वहाँ हनी हम लोग इकट्ठा करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे, करने दो। तो स्काई इज़ द लिमिट। जो रोजगार देगा, जो रोजगार उपलब्ध कराएगा, ऐसे क्लस्टर को, वो कौन है, कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से पार्टी का है और कौन से कैटेगरी का है, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। जो ये करेगा उसको अलाउ करो। अभी वो घर बनाना है, उसको गोडाउन बनाना है, तो उसका टेंडर निकालो। क्या जरूरी है टेंडर निकालने की? आप उसको स्पेसिफाई करो कि इतने स्क्वायर फुट के गोडाउन की पर स्क्वायर फुट कॉस्ट इतनी होगी। आपको लगता है तो IIT के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट को, या स्टेट PWD वालों को बोलो कि ये जो बिल्डिंग बनी है ये इतनी स्क्वायर फीट इस प्रकार से पूरी हुई क्या, इसका सर्टिफिकेट दो, उसका उसको 5-10 हज़ार रुपये फी दे दो। अगर अच्छा होगा तो आपके रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर है, CPWD के या चीफ इंजीनियर है, उनको बोल दो और ऐसी एक पैनल लिस्ट तैयार करो। अभी मैंने एक बड़ा विचित्र अनुभव किया। नागपुर में एक ड्रैगन टेम्पल करके बहुत बड़ा बौद्ध इसका बहुत टेम्पल बना है, तो वहाँ एक बौद्ध धर्म में वो सुलेखा कुंभारे करके बहुत अच्छी एक्टिविस्ट है, वो अगरबत्ती का क्लस्टर बनाना चाहती थी। तो मैंने उनको कहा, उसका 1 साल काम ही नहीं हुआ, तो मैंने कहा ये क्या अड़चन है? वो कह रही थी सब मेरा काम ही नहीं हो रहा। तो बाद में मुझे पता चला कि खादी ग्रामोद्योग में DPR बनाने वाले कंसल्टेंट की एक अप्रूव लिस्ट है, वही एमगिरी में अलग लिस्ट है। सब इंस्टीट्यूशन ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके रखे थे और वही व्यक्ति अगर DPR बनाएगा तो हम अप्रूवल देंगे, क्या मतलब आता है? फिर मैंने आकर सेक्रेटरी साहब को कहा और फिर ऑर्डर निकला कि एक जगह कोई भी संस्था में जो रजिस्टर है वो सब जगह चलेगा। तो ये जो छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स है, स्पीड ब्रेकर्स, जिसका अनुभव आप कर रहे हो, मैंने बहुत जिंदगी में किया है। मेरे जो झटके मैंने खाए हैं, क्योंकि मैं बहुत सड़क छाप आदमी हूँ, तो बहुत ग्रास रूट लेवल पर मैं आया हूँ, तो मुझे झटके देने वाले कैटेगरी को अच्छी याद है कि कैसे कैसे याद देते। एक शरद जोशी करके हास्य व्यंग कवि थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी है, वो जरूर आप जरूर सुन लेना। वो कविता थी पोस्ट ऑफिस। तो कविता में उन्होंने वर्णन किया है कि आपको अगर पत्र लिखना है तो पत्र लिखने के पहले आपको जिलाधिकारी के ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ एफिडेविट करना पड़ेगा कि मुझे पत्र लिखना है। तो मैं पहले जिलाधिकारी ऑफिस में जाता और मैं कहता कि जनाब मुझे एफिडेविट करना है। बोले किस बात के लिए करना है? तो बोले मुझे चिट्ठी लिखनी है। तो फिर वो पूछते, अधिकारी क्या चिट्ठी लिखना अनिवार्य है क्या? नहीं लिखी तो नहीं चलेगा क्या? लिखना बहुत जरूरी है क्या? जब मैं उनके सवालों के जवाब देता तब वो मुझे बोलते कि हाँ, अब तुमको एफिडेविट कर सकते हो। ठप्पा मार के मुझे अनुमति देते, पर पहले कहते जाओ ट्रेजरी में ये फॉर्म भरो और 5 रुपये उसके साथ भरकर
ठप्पा मार के 5 रुपये भरने के बाद मेरे पास आओ, फिर मैं तुमको अनुमति दूंगा। फिर ट्रेजरी में ठप्पा मार के जब वो वापस आता तब उसको कागज़ मिलके वो एफिडेविट करता। एफिडेविट करते तो 5 बज जाते, तो बाबू बोलता 5 बज गए, मैं घर जा रहा हूँ, कल आना। कल तो सैटरडे है, संडे है, ऐसा करो मंडे आना। तो मंडे को 12 बजे बाबू आता, और बाबू आने के बाद फिर मेरा वो पूरा एफिडेविट होकर मैं चिट्ठी लेकर आता। आने के बाद जब मैं चिट्ठी लिखता और वो पोस्ट ऑफिस के लाल डब्बे के पास जाता, तो वहाँ एक गार्ड खड़ा रहता, ए क्यों आया यहाँ? नहीं, चिट्ठी आई है, चिट्ठी डालनी है। डालनी है? क्यों डालनी है? चल चाय पानी के पैसे दे, नहीं तो चिट्ठी नहीं डाल दूंगा। तो उसने ये जो व्यंग्य कविता में किया था, आगे बहुत बड़ा है कि चिट्ठी जब उसका जवाब आता है तो पोस्टमास्टर बोलता पहले तुम जाओ कि तुम नितिन गडकरी हो और कोई नहीं हो, ये एफिडेविट करके लाओ तो तेरे को जवाब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो वो पूरी कविता इसमें है। ये जो व्यंग है वो सिस्टम पर है। सिस्टम ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री होनी चाहिए और तुरंत निर्णय करने चाहिए। तो हमारी योजनाओं में ये सब करने के लिए अगर प्रिस्क्राइब फॉर्म के साथ, डिजिटलाइज सिस्टम के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, और इसमें महिलाओं का कल बात हुई है, मैंने अनुरोध किया है कि महिलाओं का पूरा क्लस्टर होगा, तो कोई ज़्यादा कंसर्न दे सकते तो ज़रूर करिए। और इसके बारे में हम लोग इसी प्रकार के क्लस्टर बने, जिसको जो बनाना हो बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी को अपने इसमें जो जो काम करना है उसमें जो जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके बारे में वो काम करे। अभी बाम्बू में काम करता है, कोई हनी में करता है, मैं कचरे में काम करता हूँ। और आपको बताओ, कचरे में काम करने में मैं अनेक सालों से काम कर रहा हूँ, और मैं ऐसे ही सोशली प्रोजेक्ट करता हूँ। मैं अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ, मैंने भी इनके कोई स्कीम का अनुदान नहीं लिया, लूंगा भी नहीं। मेरा टर्नओवर 1300 करोड़ रुपए है और 15,000 लोगों को मैंने रोजगार दिया है, और मैं अपना पैरेलल ऑफिस चलाता हूँ। पर मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा आप सरकारी योजना का फायदा, क्योंकि मैं तंग आ गया था ये चक्कर काट काट के। तो मैंने कहा हेट इसके झटके में नहीं पड़ना, अपना काम अपना करो। तो जो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसमें काम करो। अच्छा, इसमें अच्छे भी लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, सब बुरे नहीं होते हैं। और एक बार इनको मालूम हो गया कि मंत्री को क्या चाहिए तो लोग वो कर लेते हैं। अभी हमारे यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर ने 24 घंटे में 25 किलोमीटर वन लेन रोड बनाया, 25 किलोमीटर। और एक कॉन्ट्रैक्टर ने, दूसरे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसने 4 लेन कंक्रीट रोड 2.5 किलोमीटर एक दिन में बनाया। तो जब एटमॉस्फेयर अच्छा होता है तो काम करने वाले लोग भी फास्ट काम करते हैं। तो मेरे को लगता है कि एक बार इस सिस्टम के मालिक आप हैं, ये देश आपका है, लोकतंत्र में आप लोग जो है वो मालिक हैं, हम विश्वस्त हैं, और आपके लिए हमने काम करना, ये आपसे, आप सब लोगों की हमसे अपेक्षा है। और इसलिए ये स्फूर्ति योजना में अभी 50 क्लस्टर ओपन हुए, नए सचिव काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पर मैंने उनको अनुरोध किया कि मैं 50-50 से नहीं, मुझे कम से कम 5,000 क्लस्टर्स का काम करना है। और ये 5,000 क्लस्टर करते हैं एक्टिवेट, और ये करने के लिए आपकी स्पीड जो अभी है इससे कम से कम 10 गुना आपको बढ़ानी होगी, और वो स्पीड बढ़ाने के लिए उनकी मानसिकता भी है और वो कोशिश भी कर रहे हैं। और उसमें जहाँ जहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, जहाँ जहाँ देरी हो रही है, जो लोग देरी कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना, ये आपका और मेरा काम है। और इसलिए इस सिस्टम को टाइम बाउंड करना, पॉजिटिव ट्रांसपेरेंसी और कमिटमेंट और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और परफॉर्मेंस के बारे में निर्णय प्रक्रिया को गतिशील करना, और डिजिटलाइज सिस्टम पूरी तरह तैयार करना, और पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने उनको अनुरोध किया है कि आपको जहां पैसा कम पड़ेगा मुझे बताइए, मैं ले आऊँगा। और इसलिए आज ये जो स्फूर्ति योजना है, जो हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जहां हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं,
जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे दरिद्र नारायण जो लोग हैं पर उनमें स्किल्ड है, उनमें हुनर है, वो कुछ कर सकते हैं, उन लोगों के विकास के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए उनको एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन, एक इंस्पायरेशन इस स्कीम के द्वारा देकर उनके जीवन में ईमानदारी के अच्छे मार्ग से वो प्रस्थापित हो और गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से उनको मुक्ति मिले और देश के विकास में वो कंट्रीब्यूट करें, यानी ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट करें, पर कैपिटा इनकम में कंट्रीब्यूट करें, और इससे हमारे देश का जो एमएसएमई का हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ में, वो मैं उम्मीद करता हूँ हमें 40% करना है। जो हमारा एक्सपोर्ट है जो 48% है वो 60% करना है, और 5 साल में 5 करोड़ जॉब हमको क्रिएट करने हैं, और हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जब इतनी बातें सुझाव में रूप में बताई, इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। अभी हमने पेंट बनाया गोबर से, आपको ताज्जुब होगा कि ये पेंट वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी से हमने टेस्ट किया। उन 3 लेबोरेटरी ने कहा कि ये पेंट मार्केट में जो कंपनियां हैं, आपने ना कोई नेरोलैक है, कोई एशियन है, अलग अलग पेंट है, उनके क्वालिटी में उनसे कहीं कम नहीं है। पर इसमें 8 ऐसे फीचर्स है जो उन पेंट में नहीं है, फंगस नहीं लगता, स्मेल नहीं आता, वो सब उसमें लिखे हुए हैं, और इसकी प्राइस आधी है। और एक गांव में किसी के पास अगर 10 जानवर है तो 5 रुपये किलो अगर गोबर खरीदी करेंगे तो कम से कम 100 किलो गोबर हो जाएगा, 5 अगर हो गए तो 100 किलो गोबर अगर 5 रुपये किलो से 500 रुपये रोज के मिलेंगे तो 15,000 रुपये केवल गोबर खरीदने से मिलेंगे। और आप, मैं एक प्रोजेक्ट चलाता हूँ, उसमें मैं आदमी की यूरिन खरीदता हूँ 2 रुपये लीटर से, और जानवरों की और आदमियों की यूरिन को, ये जो बाल होते हैं व्यक्तियों के और उसके साथ जानवरों के, उससे एम्यूनो एसिड बनाते हैं, और एम्यूनो एसिड ये प्लांट बूस्टर है, और वो 25% प्राइस में एम्यूनो एसिड बेस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मैं किसानों में काम करता हूँ, तो इतना पॉपुलर कि 6 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ। तो मेरा आपको यही कहना है कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड रिसर्च दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी जो है आपकी, उसमें लगातार सुधार करके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ग्राहकों ने उसको पसंद करना चाहिए, डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, और ये तीनों बातों के साथ अगर आप ये स्फूर्ति में आपकी योजनाएं करोगे तो बहुत अच्छा टर्नओवर मिलेगा। और आगे मैंने ये भी अनुरोध किया है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको और आगे प्रोत्साहन दो ताकि वो नया रोजगार क्रिएट करें, उसको बंद मत करो, उसको और बढ़ाओ, ताकि हमारा अल्टीमेट ध्येय है कि हमको 5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने हैं, और इसलिए इसको और प्रोत्साहन देते हुए आगे ले जाएंगे। और निश्चित रूप से ग्रामीण कृषि और वनवासी क्षेत्र में जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें हम बाम्बू पे काम करें, हम हनी पे काम करें, हम टेक्सटाइल पे काम करें, हम लोग ऑर्गेनिक कलर्स और टेक्सटाइल की जो अलग अलग प्रकार की अब साड़ियाँ बनती है, कपड़े बनते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन से उस पर काम करें, हम सोलर वस्त्र पर काम करें, मैंने ये सब सक्सेस स्टोरी देखी है। और इसलिए आने वाले समय में आप में जो भी हुनर होगा, देखो एक बात जरूर याद रखना, ये बिगाड़ भर्ती काम मत करना। मैं हैंडलूम वेवर में काम करता था, वो कपड़ा तैयार करते थे, तो मैं उनको कहता था आपने बनाई हुई साड़ी और धोती आप भी यूज़ नहीं करते, तो लोगों ने यूज़ क्यों करनी चाहिए। इसलिए आप अच्छी क्वालिटी जब तैयार करोगे तो ही लोगों को मार्केट मिलेगा, और मार्केट मिलेगा तो प्रोजेक्ट आगे चलेगा। अगर आपका माल ही कोई लेगा नहीं तो कैसे चलेगा। तो गुड पैकेजिंग, गुड क्वालिटी, गुड डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करते हुए और मार्केटिंग के लिए ब्रांडिंग करते हुए और इफ़ेक्टिव मार्केटिंग का फ़ायदा लेकर अपने को टर्नओवर बढ़ाकर नए रोजगार को निर्माण करना, ऐसे स्फूर्ति के मिनिमम 5,000 क्लस्टर्स अब करने हैं। मुझे अभी जो बताया गया उसमें से अभी जो संख्या है उसमें अभी काफ़ी काम करना है। अभी तक हमारे पास जो संख्या है उसमें
जो क्लस्टर्स टोटल अभी तक हमने मंजूर किए हैं 394 है, और 394 में एक्चुअल जो 93 क्लस्टर्स केवल फंक्शनल है 394 में से। और मैंने सेक्रेटरी के साहब को पूछा है कि भाई ये जो क्यों नहीं है फंक्शनल, इसके कारण क्या है, और ये 29 स्टेट्स एंड यूटीज़ में 250 डिस्ट्रिक्ट में कवर करते हैं। हमारे देश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, अभी एक डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्लो चल रहा है, आज का ज़माना फास्ट चलने का है, और इसलिए आप सबके सहयोग से आप जो सुझाव देंगे व्यावसायिक आपको जो अनुभव आएंगे उसके साथ हमारे डिपार्टमेंट में सभी अधिकारी पॉजिटिव वे के साथ उसमें बदलाव करके हम आगे जाएंगे। सब कदम से कदम मिलाकर हम सबको चलना होगा। वी नीड टू क्रिएट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, और हम सब मिलकर आगे जाएंगे। और आपको जब भी कोई अड़चन हुई तो विदाउट हेजिटेशन डायरेक्ट मुझे मिली है, मुझे बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है। मैं अधिकारियों को और सबको ये कहता हूँ कि आप चिंता मत करिए, आप डायरेक्ट मुझे बताइए, मिलिए, समझाइए। अगर मेरा दृष्टिकोण गलत होगा तो मेरा सुधर जाएगा। आइदर यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी, दो में से एक कोई तो भी मार्ग अपनाइए, और हम सब लोग मिलकर उद्दिष्ट पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है उसमें ग्रामीण कृषि वनवासी भारत, इसमें पिछड़े हुए क्षेत्र में जो मागास वर्गीय है, सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, वहाँ की गरीबी भुखमरी और बेरोजगारी दूर करके वहाँ अगर सुखी समृद्ध और संपन्नता लाएंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत का ये सपना पूरा कर सकेंगे। उसमें ये महत्वपूर्ण योजना है, आप दो दिन इसके ऊपर पूरा अध्ययन करो। कुछ सुझाव मुझे भी देने थे, मैंने वो आपके सामने रखे हैं, जो उचित होंगे उसमें जरूर काम करेंगे। अगर एक आधी चीज़ मेरी न प्रैक्टिकल नहीं होगी तो मुझे बताया जाएगा कि भई ये इसमें ये अड़चन है, तो मुझे कोई आग्रह नहीं कि वैसे ही होना चाहिए। मेरे अनुभव से मुझे जो लगे वो मैंने आपको बताया, पर यह सिस्टम को सुधारना है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना है और टारगेट को हासिल करना है। और निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से और इस वर्कशॉप के सुझाव के द्वारा हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।